आजकल हम लोग जो भी साबुन यूज़ करते हैं, जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, सभी में केमिकल होते हैं जो कि हमारे फेस को नुकसान करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एलोवेरा से साबुन, यानी कि एलोवेरा सोप बनाने वाले हैं, जो हमारे फेस के लिए भी अच्छे हैं, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं, नेचुरल है। और जो नेचुरल हमारा एलोवेरा होता है, जो कि हम लोग उगाते हैं घरों में, प्लांटर में जैसे उगा लेते हैं, उससे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है बनाने में, और बहुत ही उसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। कोई केमिकल नहीं होगा उसमें, एकदम नेचुरल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एलोवेरा सोप बनाना। सबसे पहले हमें एलोवेरा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। जो साइडें जो होती हैं उनको हटा देना है। उसके बाद उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, पानी में धो लेना है। उसके बाद हमें खड़ा कर देना है, क्योंकि इसमें से एक येलो पार्ट निकलता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, नुकसानदायक होता है, तो उसको हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से जब हम खड़ा कर देते हैं तो वो निकल जाता है। तो उसके जब तक वो निकल रहा था, खड़ा कर दिया था एलोवेरा को, तब तक हम जो सोप बेस होता है उसको कट कर लेंगे। ये सोप बेस मार्केट में मिलता है बहुत ही आसानी से, सोप बेस के नाम से। और उसके बाद जो एलोवेरा था वो हमने धो लिया था, धो तो पहले ही लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया है कॉटन के कपड़े से, पानी उसमें ना रहे। और छोटा छोटा कट कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और देखिए इसमें से जो येलो पार्ट निकला है वो देखिएगा ऐसे निकलता है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो हमने पेस्ट बना लिया है और हम एक कटोरी जो है एलोवेरा यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो बेस है, सोप बेस है, वो हमने थोड़ा ही लिया है, उसी हिसाब से हमें एलोवेरा लेना है। नहीं तो हमारे सोप जो है जमेंगे नहीं, गीले हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने एक टहनी में, कढ़ाई में, जिसमें भी आपको सही लगे पानी रखिएगा, और पानी के ऊपर से एक बर्तन रखिएगा, उसमें इसको बेस को डालिएगा और इस तरीके से स्टीम के थ्रू इसको पिघलाना है, बेस को मेल्ट करना है। जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो एलोवेरा इसमें ऐड कर दीजिए। और एलोवेरा ऐड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपको इसको बस चलाना है, इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने ली हैं प्लास्टिक की जो कटोरी आती हैं वो ली हैं, और उनमें हमने नारियल के ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें हम इसको डाल देंगे। उसके बाद हम इनको जमने का वेट करेंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकती हैं, जिससे थोड़ा कम टाइम में ही जम जाए, तो वैसे थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो देखिए हमारी जम चुकी हैं, 1 घंटा समथिंग लगा है और जम चुके हैं। तो हमारे साबुन अच्छे से बन चुके हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। एलोवेरा सभी को सूट करता है और बहुत अच्छे होते हैं, और इनसे हमारे फेस के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो आपको हमारे सोप कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी बना सकें, वो भी लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।